गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स. इन लास्ट क्लास वी आर स्टडी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल्स. मैंने आपको बताया था ये एक ही सेल के फोर नेम हैं. एग्जाम में किसी भी नाम से कोई भी क्वेश्चन इसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इसकी सेल रिएक्शन से रिलेटेड, इसके सेल डायग्राम से रिलेटेड पूछा जाए तो हमें जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था उसी से अपने को राइट करना है. अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फंक्शनिंग द डेनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज ओपोजिंग द सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड. तो सबसे पहले हमें देखना है सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल. व्हाट इज सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल, राइट? तो सेल पोटेंशियल का पूरा टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. प्लीज लिसन केयरफुली. E इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट. ये डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल है जिसको हम थोड़ा सा बता देता हूं मैं. E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड राइट माइनस इलेक्ट्रोड लेफ्ट. कल आपने देखा राइट हैंड साइड कॉपर और लेफ्ट हैंड साइड क्या था, जिंक. तो हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं. इसके बारे में आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. एक बार ध्यान रखना है, रिमेम्बराइज रखना है कि जो कॉपर होता है उसका होता है 0.34 और जो जिंक होता है उसका होता है 0.76 वोल्ट. तो टोटल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल है वो कितना आ जाएगा, 1.10 वोल्ट, राइट? अब अपना टॉपिक क्या है कि डेनियल सेल की जो फंक्शनल है, फंक्शन है वो किस टाइप से चेंज होते हैं जब एक्सटर्नल वोल्टेज को अपने क्या करते हैं, 1.10 वोल्ट से कम रखते हैं, बराबर रखते हैं या ज्यादा रखते हैं. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. प्लीज लिसन केयरफुली एंड नोटेड. थोड़ा सा कल की क्लास को ध्यान दीजिए. हमने पढ़ा था डेनियल सेल की स्ट्रक्चर्स में कि टू बीकर्स वन बीकर हैव जिंक रोड एंड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड अनोदर बीकर हैव कॉपर इलेक्ट्रोड एंड कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट, राइट? एंड कंसंट्रेशन 1 mm. These electrode connected by a wire with voltmeter and after some time and two beaker connected by salt breeze. When the connecting of wire to electrode then reaction in after some time zinc rod dissolve and copper deposit, right? So anode पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. कैथोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव. अब अपने इसको क्या, इस सिस्टम को क्या करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं. किससे कर देते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं. तो राइट, right.
अब एक्सटर्नल वोल्टेज जो है ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.10 वोल्ट. एक्सटर्नल वोल्टेज क्या है 1.10 वोल्ट से कम है, तो जो इस सेल की सेल रिएक्शन चल रही है ऑलरेडी उसी प्रोसेस में चलेगी. कैसे चल रही है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मूव जिंक रोड टू कॉपर रोड एंड करंट मूव कॉपर रोड टू जिंक रोड, राइट. और सेकंड जिंक रोड डिसॉल्व एंड कॉपर आयंस आर डिपॉजिटेड एट कॉपर. तो इस टाइप की, यानी जब एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.10 वोल्ट, देन जो प्रोसीजर है किसकी, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल की, उसी प्रोसीजर में रिएक्शन से कंप्लीट होगी. अब क्या करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज को इक्वल कर देते हैं. क्या कर देते हैं? दोनों इक्वल कर देते हैं, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज है वो भी 1.10 वोल्ट कर देते हैं. तब इसमें रिएक्शन क्या आएगी, जो इलेक्ट्रॉन है उनका किसी भी प्रकार से मूव नहीं होगा. नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, नो केमिकल रिएक्शन. नो केमिकल रिएक्शन. तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये डायरेक्ट इसमें भी ये भी पूछा जा सकता है कि कोई भी गैल्वेनिक सेल है, उस गैल्वेनिक सेल में नो केमिकल रिएक्शन की सिचुएशन या कंडीशंस कब क्रिएट होती है. तो ध्यान रहे, जब एक्सटर्नल वोल्टेज क्या होता है 1.10 वोल्ट के इक्वल होता है, तो ये सिचुएशन क्या होती है, क्रिएट होती है. नेक्स्ट इसका ऑपोजिट कर देते हैं. पहले एक्सटर्नल वोल्टेज को क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं. अब टोटल रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. रिवर्स का मतलब जो पहले एनोड था वो अब क्या बन जाएगा, कैथोड, और जो कैथोड था वो क्या बन जाएगा, एनोड, राइट. द रिएक्शंस कंप्लीट रिवर्स. तो कैथोड, एनोड, जो एनोड था वो क्या बन गया, कैथोड, और जो कैथोड था वो क्या बन गया, एनोड. अब आपको पता है कि जब भी टू इलेक्ट्रोड्स की कंप्लीट सर्किट में रिएक्शन होती है तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. केमिकल रिएक्शन चेंज नहीं होगी, एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन एट ऑन एनोड एंड रिडक्शन टेक ऑन कैथोड, राइट. तो अब जो कॉपर है वो डिसॉल्व होगा और जिंक जो है वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा. तो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहे हैं, कॉपर टू, तो इलेक्ट्रॉन मूव कॉपर रोड टू जिंक रोड, राइट. एंड करंट मूव क्या हो जाएगा, जिंक रोड टू कॉपर रोड. और सेकंड क्या होगा, कॉपर रोड डिसॉल्व एंड जिंक आयन डिपॉजिट एट जिंक रोड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये डेनियल सेल का, जब एक्सटर्नल वोल्टेज को अपोज में अपने अप्लाई करते हैं, राइट. अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.10 वोल्ट से ज्यादा होगा तो टोटल कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी.
जो एनोड है वो कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैथोड है वो एनोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मूव है वो कॉपर रोड से जिंक रोड की ओर होगा, करंट का मूव है वो जिंक रोड से क्या हो जाएगा, कॉपर रोड की ओर हो जाएगा, और कॉपर रोड है वो डिजोल्व होगी और जिंक रोड है वो उस पर जिंक, जो जिंक आयन है वो जिंक मेटल में क्या हो जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे। इस तरह से ये टोटल कंप्लीट रिएक्शन है। फंक्शन की हमने पढ़ी डेनियल सेल की, अब हम इसके अंदर एक टॉपिक आता है सेल पोटेंशियल का, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन ए मेटल रॉड डिप्ड इनटू मेटल आयन सॉल्यूशंस when a metal rod dipped into metal ion solution same or different then mainly two types reactions are completed. First, metal rod convert in metal ion. यानी जो metal rod है वो किस में चली जाएगी, metal ion में, और n electron क्या करेगी, lose करेगी, right? किस type की reaction है ये, oxidation. और second इसमें क्या probability है कि जो metal ion है वो इलेक्ट्रॉन मेटल आयन गेन द इलेक्ट्रॉन एन टू रिड्यूस्ड इन मेटल रोड्स, तो यहां किस टाइप की रिएक्शन हुई, रिडक्शन, राइट? तो किसी भी मेटल रोड को मेटल आयन सॉल्यूशंस में डिप करने पर मेनली टू टाइप की रिएक्शन क्रिएट होती है। तो फर्स्ट टाइप की अगर रिएक्शन क्रिएट होती है तो आप क्या देखोगे कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट Mn पॉजिटिव मेटल आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड इंक्रीज, राइट? और यदि सेकेंड टाइप की रिएक्शन होती है तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां टू टाइप का डिफरेंस है। अब जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोड पे उसके कारण एक इंटरफेस इंट्रैक्शन रिएक्शंस ऑन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स that is create a potential and known as a electrode potential when a metal rod dipped into a solutions then oxidation and reactions according to develop a interface potential created that is known electrode potential। यानी किसी भी मेटल रोड को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करने पर ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन है उसकी रिएक्शन के फलस्वरूप उसमें एक पोटेंशियल क्या होता है, जनरेट होता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
मैंने आपको बताया कि व्हेन ए मेटल रोड डिप इनटू मेटल आयन सॉल्यूशंस देन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन देयर इज ए सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ द टू ओपोजिंग रिएक्शन. मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन यहां गेन भी होगा और इलेक्ट्रॉन लूज भी होगा. मेटल रोड लूज द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इन मेटल आयन एंड मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन एंड कन्वर्ट इन ए मेटल रोड्स. तो ध्यान दीजिए एट इक्विलिब्रियम देर इज ए सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ द टू ओपोजिंग रिएक्शंस द इलेक्ट्रोड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन. यानी जो इलेक्ट्रोड है वो या तो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव चार्ज. राइट. ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट. द इलेक्ट्रोड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन. ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच इज नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब ध्यान दीजिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एनी सेल हैव टू इलेक्ट्रोड्स. इन गैल्वेनिक सेल वन एनोड और सेकंड कैथोड. एनोड पे किस टाइप की रिएक्शन थी? ऑक्सीडेशन. और कैथोड पे क्या थी? रिडक्शन. अब यदि एनोड पर कोई ऑक्सीडेशन एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो यहां जो पोटेंशियल है वो किस नाम से जाना जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और रिडक्शन को रिडक्शन पोटेंशियल. अब अकॉर्डिंग टू आईपीएससी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा. ठीक है. तो अब नेक्स्ट ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड को हटा के क्या लगा देते हैं यहां पे? सेल. क्या कर देते हैं? सेल. तो सेल के अंदर क्या है? टू इलेक्ट्रोड है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इन ए सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल. सेल पोटेंशियल क्या है? ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इन ए सेल नोन एज ए सेल पोटेंशियल. ई इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल. और यदि मेटल आयन कंसंट्रेशन 1 यूनिट हो और 298 केल्विन टेम्परेचर हो तो उस समय की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा. ई स्टैंडर्ड इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड आर माइनस ई स्टैंडर्ड एल. आर का मतलब राइट हैंड साइड यानी कैथोड. ई स्टैंडर्ड इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. अब ध्यान दीजिए गैल्वेनिक सेल के लिए डेनियल सेल के लिए कैथोड किसका है? कॉपर माइनस और तो
इस तरह से किसी भी सेल के अंदर टू इलेक्ट्रोड हैं, उन टू इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस को सेल पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा, और उनका डिफरेंस हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, जिसका कैथोड बना है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से जो एनोड है उसके पोटेंशियल को माइनस करने से उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट होगा, राइट। अब मैनी मेटल्स हैव डिफरेंस पोटेंशियल, देन हमें किसी भी मेटल आयन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका पहले से ही डिटरमाइन हो पोटेंशियल, तो आगे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास वी डिस्कस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट आर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड एट ए रिडॉक्स रिएक्शन। किसी भी इलेक्ट्रोड पे रिडॉक्स रिएक्शन के फलस्वरूप जो पोटेंशियल जनरेट होता है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के डिफरेंस में, उसी पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। अब हम सेल पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, तो एनी सेल कंसिस्ट टू इलेक्ट्रोड, डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स कैथोड एंड एनोड नोन एज सेल पोटेंशियल। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टुडे टॉपिक्स मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करने के लिए हमें एक ऐसे इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें पहले से ही नोन हो। इसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट होती है, राइट। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में स्टडी करेंगे। कई बार केवल इसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीबीएसई एग्जाम में कि स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। We take a beaker in which standard means the concentration is unity, 1 mL HCl solutions, and inert position of the electrode so consists a glass jacket H2 gas pass at 1 bar gas pressure and form inert metal PT coated PT foil तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन विच H2 गैस पास इन 1 mL सॉल्यूशन एट 1 bar एंड electrode which metal used in this platinum, so
प्लेटिनम की जो फॉइल है उस पर पीटी कोटेड होता है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 0.0 वोल्ट है। अब इसको एज ए सेल डायग्राम, तो चाहे ये एनोड के रूप में यूज हो चाहे कैथोड के रूप में, सबसे पहले हमें सेल डायग्राम में इसमें मेटल क्या ध्यान रखना है, प्लेटिनम, राइट, पीटी, फिर गैस और फिर आयन 1M। अब वी टेक ए एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में एनोड जिंक मेटल का बना हुआ था और कैथोड है वो कॉपर मेटल का बना हुआ है। अब अपने जिंक मेटल के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अप्लाई करते हैं और फिर जिंक मेटल का जो पोटेंशियल है वो वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। तो इसको कनेक्ट करते हैं जिंक भी, वन इलेक्ट्रोड इज SHE एंड सेकंड जिंक मेटल। We know the formula of calculate electrode potential E is equal to E Ri, E cathode minus E anode. तो जिंक मेटल के साथ जब इसको कनेक्ट करते हैं तो H2 गैस इवॉल्व होती है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना क्या रिप्रेजेंट करता है कि जिंक मेटल ऑक्सीडाइज्ड एंड एच पॉजिटिव आयन रिड्यूस्ड एंड टू फॉर्म H2 गैस। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन किस पे होती है, एनोड पे। और तो यहां SHE किसके रूप में प्रयुक्त होगा, कैथोड के रूप में, राइट। जब जिंक मेटल को लिया जाता है तो H2 गैस इवोल्व होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां एनोड यानी ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो जिंक मेटल के द्वारा हो रही है और रिड्यूस्ड जो है वो H पॉजिटिव आयंस रिड्यूस्ड एंड कन्वर्ट इन ए H2 गैस। तो इस कंडीशन में इसका सेल डायग्राम क्या होगा, नेट सेल रिएक्शन देखिए, पहले एनोड के रूप में, कैथोड के रूप में, NCR Zn2H+, Zn2+ प्लस H2 गैस। और सेल डायग्राम क्या होगा, सेल डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था, इन LHS क्या लिखते हैं, एनोड। तो मेटल जिंक Zn2+, फिर डबल वर्टिकल लाइन नोटेड टू साल्ट ब्रिज एंड 8 फर्स्ट आयन कंसंट्रेशन
एंड मेटल पीटी। ध्यान दें, कई बार केवल वन मार्क्स क्वेश्चंस इस पे पूछा जाता है, ओनली सेल डायग्राम रिप्रेजेंट व्हेन जिंक इलेक्ट्रोड आर अप्लाइड। तो जिंक इलेक्ट्रोड को जब अप्लाइड करते हैं H2 गैस इवोल होती है, इसका मतलब जिंक किसके रूप में काम कर रहा है, एनोड के रूप में। और जब इसका सेल डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहले जिंक मेटल, फिर सिंगल वर्टिकल लाइंस, फिर आयन कंसंट्रेशन। तो आयन कंसंट्रेशन क्या है, Zn2 पॉजिटिव, फिर डबल वर्टिकल लाइंस, फिर RHS में सबसे पहले आयन कंसंट्रेशन तो H पॉजिटिव, और उसके बाद गैस यानी अन्य नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने को इसमें रिप्रेजेंट करनी होती है। तो H2 गैस और उसके बाद में मेटल कौन सा है, प्लेटिनम। अब कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट करते हैं। तो जब कॉपर मेटल का अप्लाई किया जाता है तो वहां H2 गैस इवोल्व नहीं होती, इट मींस वहां रिड्यूस्ड पार्ट सेल्फ कॉपर मेटल है। तो एनोड H2 गैस H पॉजिटिव ठीक है, और कैथोड पे क्या है, कॉपर। H2 गैस Cu2 पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव प्लस Cu। तो E कैथोड माइनस E एनोड, E स्टैंडर्ड इज इक्वल टू कैथोड। अब इसका जो पोटेंशियल है मेजरमेंट बाय वोल्ट मीटर, देन ऑब्टेन 0.34, और एनोड के रूप में क्या अप्लाई किया गया, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसके कितने हैं, 0.0 वोल्ट, देन इस कॉपर मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना गया, 0.34 वोल्ट। और जिंक के लिए आपने क्या देखा था कि जिंक मेटल का जब इलेक्ट्रोड लेते हैं तो H2 गैस इवोल होती है, E कैथोड माइनस E एनोड। अब कैथोड के रूप में वहां क्या है, SHE, E स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 0.0 माइनस 0.76 वोल्ट। तो इस टाइप से किसी भी मेटल के मेटल इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो अपने डिटरमाइन कर सकते हैं, किसके द्वारा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0.0 वोल्ट होता है। किसी भी मेटल का जब इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका जो डिफरेंस वोल्ट मीटर के द्वारा मेजरमेंट होता है, जो वैल्यू है वो उस मेटल का क्या होगा, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका हमने लिया है। तो ये SHE एनोड के रूप में भी अप्लाई हो सकता है और कैथोड के रूप में भी अप्लाई हो सकता है। इस चीज का हमें पता कैसे चलेगा कि एनोड और कैथोड, तो इस फॉर्मूले की सहायता से ध्यान रहे कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो E कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड के रूप में है तो जो वैल्यू प्राप्त हुई नेगेटिव के रूप में, और जब एनोड के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो कैथोड के रूप में मेटल इलेक्ट्रोड होगा उस टाइम, उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ध्यान दें, नेगेटिव और पॉजिटिव का जो, और SHE के लिए 0.0 वोल्ट होता है। अब
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखोगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से सेट किए गए हैं। प्रत्येक मेटल्स नॉन मेटल्स के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ऊपर की ओर क्या है पॉजिटिव में और नीचे की ओर जाते हो तो नेगेटिव में आता है। तो इसमें इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम, ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग जस्ट इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट, ऊपर की ओर क्या होगा इंक्रीजिंग, नीचे की ओर जाओगे तो क्या डिक्रीजिंग। ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पॉजिटिव नेगेटिव और जो मेटल है उसमें SHE किस फॉर्म में एज ए एनोड या एज ए कैथोड वर्किंग करता है। अब जब ये कैथोड के रूप में वर्किंग करता है तो उस टाइम इसका क्या सेल डायग्राम होगा, तो ध्यान दें SHE एज एनोड, तो सबसे पहले PT सेल डायग्राम, एच पॉजिटिव वन बार, एच पॉजिटिव 1m और Cu2 पॉजिटिव C, तो जब कॉपर मेटल को SHE के साथ अप्लाई किया जाता है तो सेल डायग्राम में सबसे पहले क्या आएगा PT, क्योंकि SHE को नोट कर रहा है, तो मेटल क्या है इसमें प्लेटिनम, फिर H2 गैस, फिर आयन ऑफ H पॉजिटिव, और उसमें साथ में इसकी कंसंट्रेशन 1m अपने को शो करनी पड़ेगी, और H2 गैस जो है इसका प्रेशर भी अपने को इसमें नोट करना पड़ता है 1 bar, और साथ इधर फिर किस मेटल का बना हुआ है कॉपर का, तो सबसे पहले आयन ऑफ कंसंट्रेशन कॉपर और उसके बाद में मेटल कौन सा है कॉपर। इस तरह से कोई भी SHE के साथ जब हम दूसरा मेटल यूज करते हैं उसका मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कैलकुलेट करते हैं तो उस समय SHE एनोड के रूप में भी काम आ सकता है और कैथोड के रूप में भी काम आ सकता है। जब कैथोड के रूप में प्रयुक्त होगा तो वोल्ट मीटर से जो मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव के रूप में, और जब एनोड के रूप में होगा तो पॉजिटिव के रूप में वैल्यूज मेटल इलेक्ट्रोड की हमें प्राप्त होगी। अब कैथोड और एनोड के रूप में ध्यान क्या रखना है कि जब भी SHE का सेल डायग्राम्स अपने देखते हैं तो अगर एनोड के रूप में आता है तो मैंने आपको बताया सबसे पहले LHS पर मेटल, फिर आयंस, तो यहां आयन क्या H पॉजिटिव, अब स्टैंडर्ड है तो 1m, और साथ में H2 गैस को भी शो करना है, अब साथ में दूसरा कोई भी मेटल इसमें दिया जाएगा, और इसी प्रकार से जब SHE कैथोड के रूप में प्रयुक्त होता है तो जब लिखेंगे तो सबसे पहले H पॉजिटिव आयन, फिर H2 गैस और फिर प्लेटिनम, ये कैथोड के रूप में है SHE एज कैथोड। तो ध्यान दीजिए टुडे क्लास वी डिस्कस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
सबसे पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन अपने को आना चाहिए, उसके बाद एस एच ई को एज एनोड के रूप में जब फंक्शन करता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस फॉर्म में आएगा, और जब कैथोड के रूप में यूज करते हैं तो किस तरह से इसका होगा। दोनों सेल डायग्राम और सेल डायग्राम से होने वाली रिएक्शंस अपने को कंप्लीट आनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अपने एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस विद न्यूमेरिकल। डूइंग वेरी वेल एट होम एंड कीप इट रेगुलरली, वॉचेस वीडियो एंड मेक नोट्स एंड प्रैक्टिस पर टॉपिक डे बाय डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।